पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में शामिल लॉरेंस बिश्नोई को 13 जून से पंजाब पुलिस की कस्टडी में रखा गया है। उसे आज बठिंडा की कोर्ट में पेश किया जाना है, लेकिन इससे पहले लॉरेंस के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह पक्की खबर है कि पंजाब पुलिस लॉरेंस का फर्जी इनकाउंटर करने की तैयारी में है। वकील ने कहा कि पिछले 12 दिनों से पुलिस ने एक झूठी FIR में लॉरेंस का रिमांड हासिल किया हुआ है। उन्होंने कहा कि जब लॉरेंस को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी पुलिस करेगी। पंजाब पुलिस एक योजना के तहत अपने ही आदमियों को वहां पर कुछ एजेंसी के लोगों के साथ इन्वॉल्व करके ये दिखाने की कोशिश करेगी कि लॉरेंस ने पुलिस की कस्टडी से भागने की कोशिश की, इस कारण लॉरेंस का फेक इनकाउंटर किया जा सकता है। ये बड़ा आरोप लॉरेंस के वकील विशाल चोपड़ा ने पंजाब पुलिस पर लगाया है कि आज पेशी के दौरान हो सकता है कि लॉरेंस का फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाए। आप भी सुनिए क्या कहा लॉरेंस के वकील ने। मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई जो पिछले 13 जून से पंजाब पुलिस की कस्टडी में है और पिछले 12 दिन से पंजाब पुलिस ने बठिंडा की एक झूठी एफआईआर के अंदर में उनका रिमांड हासिल किया हुआ है, उनको लेके मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन इनपुट है कि पंजाब पुलिस एक कॉन्स्पिरेसी के तहत जब कल बठिंडा का रिमांड खत्म होने के बाद उनको कल 24 तारीख को बठिंडा कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी तो उनके साथ कोई ना कोई मिसहैपनिंग की जाएगी। पंजाब पुलिस एक कॉन्स्पिरेसी के तहत अपने ही आदमियों को वहां पे कुछ एजेंसी के लोगों के साथ में इन्वॉल्व करके ये दिखाने की कोशिश करेगी कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई ने कस्टडी से भागने की कोशिश की और उनका फेक अकाउंट किया जा सकता है। इसके अलावा वो सिक्योरिटी ब्रीच कर सकती है और राइवल गैंग्स को मौका दिया जा सकता है कि वो किसी तरीके से मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई पे हमला करके उसको जान से मार दें। ये ऑलरेडी होम मिनिस्ट्री के द्वारा गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी करके पंजाब पुलिस को पहले से हाई अलर्ट किया हुआ है कि मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को जब भी किसी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी जान को खतरा है, उसके ऊपर राइवल गैंग्स अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने ऑलरेडी पटियाला कोर्ट के अंदर में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रांजिट रिमांड जब उनको मानसा ले जाया जा रहा था यहाँ पे एश्योरेंसेस दिए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने बाकायदा एश्योरेंस दिए थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उसकी कहीं पे भी किसी भी सिक्योरिटी के अंदर लैप्स नहीं किया जाएगा और हमारा जो मैटर है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी महीने की 27 तारीख के लिए लिस्टेड है। मैं आपके माध्यम से पूरी पंजाब पुलिस को एक अवेयर करना चाहता हूं कि वो किसी प्रकार से इस बार के कोई भी एश्योरेंस को ब्रीच करने की कोशिश ना करे, नहीं तो उनको यहां पे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। उनको इस बात का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 27 तारीख को देना पड़ेगा कि किस तरह से उनकी स्कोरी में लैप्स हुआ।
वो अपनी किसी भी कॉन्स्पिरेसी को इस तरह से अंजाम देने की कोशिश ना करें, उसकी बाकायदा पुख्ता सिक्योरिटी रखी जाए। और इस इनपुट के ऊपर जो मैंने ये रिएक्शन आपके सामने वीडियो के थ्रू दिया है, ये बिल्कुल स्ट्रांग इन्फॉर्मेशन है, ये कोई प्रोपोगंडा नहीं है, ये कोई झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकायदा पंजाब पुलिस के कॉन्स्पिरेसी के तहत कल जब उसको बठिंडा कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी तो उसकी जान उसके सिक्योरिटी में अंदर लैप्सिस किए जाएंगे कि उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैं बाकायदा इंटायर पंजाब पुलिस को और पंजाब स्टेट गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहता हूं कि हमारा मैटर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है 27 सितंबर के लिए। आपने वहां पे शोरेंस दिए हुए हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी, उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। हमने कहीं पे भी, उन्होंने हमें 15 से 20 मुकदमों में, झूठे मुकदमों में हम रेस्ट किया, हमने हर इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन किया है और आज भी कोऑपरेट कर रहे हैं। आप उसके साथ कोई भी इसी मिसहैपिंग करने की कोशिश ना करें।